दोस्तों हम लोग अभी निकल चुके हैं गाय आडर के लिए, जहाँ पर हाथी घोड़ा इंसान के पैर के निशान मिलते हैं दोस्तों, और एक और नया वाटरफॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय व्लॉग चैनल SVM07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं हाथी का पैर का निशान है और इधर एक वाटरफॉल है, वहाँ तक तो आप लोगों को लेके जाएंगे। यहाँ का खूबसूरती और ब्यूटी चारों और पहाड़ियों से गिरा एक खूबसूरत क्षेत्र, जहाँ पर हाथी का पैर का निशान और इंसान का पैर का निशान है और घोड़े का भी है बोलते हैं। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, तो जाके दिखाते हैं। देख सकते हो ये मेन रोड है जगदलपुर से आने का, और ये वाला सुकमा से आने का, इसको गाय आडर बोलते हैं। यहाँ पर अपना बाइक रख के हम लोग अभी जंगल का ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर नदी है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से नहर बनाया गया है दोस्तों, यहाँ से तरफ पानी निकल के जाता है। गाइस हम लोग को ये वाला नाला पार करके अभी जाना पड़ेगा। देख सकते हो जगन्नाथ नाग और सुकमा नाग के साथ हम लोग अभी पैदल ट्रैकिंग हम लोग का अभी स्टार्ट होता है। हम लोग अभी निकल चुके हैं पहाड़ी की ओर, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। सो गाइस वीडियो में बने रहिए। सामने जगन्नाथ नाग ले जा रहे हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता सफ़र कर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी मैं सुखमन भैया, आज थोड़ा कुछ अलग ही लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भैया अपना। सुखमन बहुत तेज चल रहा है भाई। दोस्तों इधर से भी एक छोटा सा नाला है जो यहाँ से आके यहाँ पर मिलता है। ये देखिए भैया हम लोग अभी नाला पार कर रहे हैं, नाले में पानी कितना है आप लोग देख सकते हो, बहुत डेंजर जगह है भाई, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। एक बार मुस्कुरा दो यार। थोड़ा सा बचा भैया नदी के उस पार पहुंचने के लिए, बहुत गड्ढा है भैया। अब किधर जाएंगे भैया? दूसरा रास्ता जो ना ए भैया पूरा बिक गए यार। कुछ नहीं बचा है भैया, अपना सुकमा नाक पूरा बिक गया यार। हम लोग को नाले में पार करने में लग गया 5 से 10 मिनट भाई, बहुत मेहनत करना पड़ा यार नदी पार करने के लिए। खाए अंसाज भाई मन, क्या ला रहे हो? चाती। तो यहाँ से कितना दूर पड़ेगा ये नुचा डूब? सीधा चेनो देर रहा। हाँ ठीक है भाई, देखो हमारा जगन्नाथ नाग कैसे जा रहे हैं टंगिया लेके। ये हमारा खुर्राम, जंगल में ऐसा वाला चिट्ठी मिलता है भाई, देख सकते हो इसको बच के जाना पड़ता है। ये देखा है था कोज बना था सोनी बाड़ जा तो कोज में। अच्छा कितना नाम है कोज? अरे इसमें जा का पका ले जा गोटो कुछ रानी ने है तो चिल पर। दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, हाथी का पैर और आदमी का पैर और घोड़े का पैर का निशान है बहुत बड़ा, ये चट्टान है इसी पर हम लोग देखने आए थे। सो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए आप लोगों को आगे का जगन्नाथ भाई के हिसाब से सुनना पड़ेगा। भाई साहब कौन कौन सा है बताइए? आदमी खोज है,
लाठी खोजे ठीक है, उसके बाद यदि आदमी खोजे घोड़ा खोजे। ये भाई साहब ये बता रहे हैं ये वाला घोड़े का है और ये वाला हाथी का है और ये वाला आदमी का पैर है और ये वाला भी हाथी का पैर है, ये भी हाथी का पैर है, आदमी का पैर है और ये घोड़े का पैर है। यहाँ पैर कब से हुआ है? तो पूरी पूरी से हम लोग नहीं जानते कितने समय हो गया, और गाल से उतरे उस समय गए बोले। अच्छा, ऐसे हुआ पहले जमाने में इधर से लोग जाते थे? जाते थे, कैसा होता है तो नॉलेज नहीं है मेरे पास भी, पहले का जमाना था। अरे बुजुर्ग मन क्या बोलते हैं? बुजुर्ग मन बोलते हैं, बुजुर्ग मन नहीं जानते हैं पहले का जमाना क्या बोलते हैं। रकम सही है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। आप लोग भी यहाँ पर कभी आइए देखने के लिए। ये अपना जीरम घाट टोंगपाल के पास पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान है, इस चट्टान में ये चिन्ह बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। कहा जाता है कि पहले ज़माने में इसी रास्ते से होकर राजा महाराजा लोग गुजरा करते थे, तभी से ये चिन्ह बने हुए हैं। दोस्तों सभी गांव वालों और बुजुर्ग लोगों का कहना है कि वाकई में सत्य है और ये हाथी घोड़ा और इंसान के पैर के निशान है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके हुए थे और इस चट्टान में हाथी लेटा हुआ था। गांव वालों के अनुसार यहाँ हाथी के रुकने के कारण इस चट्टान में पूरा हाथी का शरीर जैसा प्रतीत होता है। आप लोग देख सकते हो पूरा चट्टान सेम हाथी का शरीर जैसा ही प्रतीत होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो वाकई में यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो यहाँ सही का हाथी घोड़ा और इंसान के पैर के निशान मिलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तभी यकीन होगा दोस्तों वाकई में सत्य है या नहीं, ज़रूर आए। बहुत ही मज़ा आ गया यार यहाँ आके। आप लोग भी जगह को कभी देखना होगा तो यहाँ पर ज़रूर आइए। आप लोगों को ये जगन्नाथ भाई साहब यहाँ पर लेकर आएंगे और दिखाएंगे इस जगह को, वाकई में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये देखिए अपना जगन्नाथ भाई साहब देख रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं।